नमस्कार, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील्ड का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल नुमार भाई। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी के एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड। मैडम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नुमार भाई में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं और कहाँ पे और किस पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं थोड़ा बताएं। मेरा नाम वेरी नाइस, कोई बात नहीं। मैडम, आप एसआईएस कब ज्वाइन की थी? मैंने एसआईएस ज्वाइन करी टू इयर्स हो गए हैं मुझे। दो साल हो गए। हाँ जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे मतलब 2020 में मतलब 18 सितंबर को ज्वाइन किया था मैंने सर। ओके ओके। अभी तक आपने कितने यूनिटों में काम कर चुके हैं? सर मैं वैसे टू साइड किया मैंने, न्यूज में काम किया। मतलब वैसे फिलहाल मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऑफिस में किया था और मतलब ऑफिस में भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे, तो मेरे वहाँ पे ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग कराई जाती थी, तो मुझे वैसे इमरजेंसी के बारे में सब कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज है। और मतलब यहाँ पे अभी मैं कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सर मतलब काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब काम भी अच्छा है करके। अच्छा, एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को, महिला सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है आपको यहाँ पे? सर यहाँ पे जो भी अदरवाइज मतलब पेड्स वगैरह होते हैं, मतलब उनकी मैं मेरे को उनका कोर्स से एंट्री करना पड़ता है। उधर जाना भाई, जो मतलब अदर वैसे होता है जो नए आते हैं उनका फोन नंबर से कॉन्टेक्ट करते हैं हम लोग। अदर मतलब सभी का एक 6 नंबर का डिजिट होता है, उन्हीं से इन आउट करते हैं। वेरी नाइस। मैडम, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? सब काफी सपोर्टिंग है, मतलब मैनेजर वगैरह या मेरा ऑफिस में भी मैं ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी काफी मेरा अच्छा बिहेव होता है। वेरी नाइस। तो आपने एसआईएस में 2 साल ऑलमोस्ट काम कर लिया है और 2 साइड अलग अलग जगह पे काम कर लिया है, दोनों जगह में मतलब क्या डिफरेंस है, वहाँ पे कैसा लग रहा था, यहाँ पे कैसा लग रहा है? सर हाँ, ये था कि वहाँ पे कुछ काफी सारे लोग थे, यहाँ मैं सिंगल पर्सन हूँ। अच्छा। तो बट लेकिन फिर ये सब थोड़ा ध्यान भी रखते हैं, मतलब थोड़ा प्यार भी मिल जाता है, सपोर्टिंग भी मिल जाता है, तो मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आते यहाँ पे। वेरी नाइस। अच्छा, एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को काम करते में क्या क्या मतलब समस्याएं आ सकती हैं, आती हैं आपके साथ? समस्या तो वैसे तो मेरे साथ तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई है, बस मुझे थोड़ा आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी आने जाने में, लेकिन बट आई मैनेज मैंने कर लिया करके, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम सिक्योरिटी की जॉब में तो हम अपनी खुद अपनी केयर कर सकते हैं इस चीज़ की, तो हमें मिली हुई है नॉलेज की हाँ हमें जैसे हमारे साथ वगैरह कुछ बात होती है तो हम कैसे हैंडल करें, या यहाँ पे कुछ हो रहा है तो हम अपने सीनियर को बता सकते हैं, और बाहर होता है तो सर मैनेज कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ी अपनी लैंग्वेज से या थोड़ा कुछ अपने से वो कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज से लग रहा है कि आप हरियाणा से ऐड किए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। बट मेरी लैंग्वेज वहाँ पे यादव लोग रहते हैं तो बचपन से यही लैंग्वेज है मेरी। अच्छा, एक मेन टॉपिक जो बहुत सारे लोगों के मनों में रहता है कि काम तो करेंगे लेकिन ड्यूटी कितने घंटे की करने पड़ेगी और सैलरी कितना मिलेगा, आपको कितना घंटे ड्यूटी करना पड़ता है और सैलरी क्या मिलती है? सर यहाँ पे सभी की मतलब लगभग जेंट्स की तो 12 घंटे ही है, बट मेरी मतलब की कुछ 11.5 घंटे कुछ पड़ती है, लेकिन सर मैं वही है ना स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बाद में पहले पड़ा था, लेकिन अब मुझे काम करने याद नहीं, तो जितना काम रहता ना अपने सर फिर कुछ याद नहीं रहता उस टाइम, काम के टाइम पे कोई टाइम फिर कोई प्रॉब्लम, काम करते करते टाइम कट जाता है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं होना तो फिर थोड़ा खाली रहते हैं, थोड़ा मतलब ये होता है यार काम नहीं है कुछ भी, कैसे बोर से हो रहे काम होते रहता है तो दिल अच्छा नहीं रहता। वेरी नाइस। सैलरी नहीं बताया आपने। सैलरी सर सेम है सबकी, 70,000 कुछ 400 है, 17,400। हाँ जी, तो ठीक है सर, लेकिन हाँ सैलरी से बेस पे पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, अब मिला ये। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, 12th पास एक लड़की ड्यूटी करती है, 17,400 रुपए इनका सैलरी है, अगर ये आज घर पे बैठ गई होती तो शायद ये पैसे नहीं कमा पाती और अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती। बहुत सारी महिलाएं जो है आपको देख रही हैं, आप उन लोगों को कुछ संदेश दीजिए
कि आप भी कहीं पे जॉब कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, और कैसे कर सकती हैं थोड़ा बताएं उनको आप। सर यही, अगर आपने इतनी पढ़ाई करी हुई है, 10th तक है करी है, तो भी आप SIS या अदर कोई सिक्योरिटी में भी ज्वाइन कर सकते हो करके। घर बैठे से तो वैसे भी कुछ नहीं होना करके, आप ये पैसा करोगे, आपको नॉलेज भी मिलेगी काम करने का, वो भी एक्सपीरियंस भी आएगा। आप कहीं अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ से अगर आपका कोटक बेस भी चला भी जाता, तो कहीं अगर साइड में आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। चलिए, वेरी नाइस मैडम, आपने बहुत अच्छी बातें कही। और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो खास करके लेडी हैं और पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार करना चाहते हैं लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और मिलते हैं आप सबसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम आपका भी बहुत धन्यवाद।